तो सभी को जय हिंद। मैं जीवेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका डिफेंस अड्डा 24/7। और जिन जिन का कल सीआरपीएफ का एग्जामिनेशन है तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए जीके के मैं एक पूरा ओवरऑल कवर करके लाया हूँ। सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं क्वेश्चन में से अगर आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरा सागर, ओके, प्रयास सिंह, कृष्णा, सुमित भदौरिया और आपका कृष्णन, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो आप सभी लोग फटाफट आंसर करते हुए चलिएगा। सबसे पहले अगर प्राचीन भारत के इतिहास पर देखें तो लोथल पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाई लोथल क्या था। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल क्या था? एक गोदी बाड़ा था। गोदी बाड़ा का मतलब होता है नदी निर्मित बंदरगाह, इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं डॉक यार्ड। ये आपका कहाँ पड़ता है लोथल? लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। और कौन सी नदी के किनारे था ये? भोगवा नदी के किनारे। वेरी गुड। कौन सी नदी के किनारे था ये? आपका भोगवा नदी के किनारे। और ध्यान रखिएगा, गुजरात में ही एक और साइट है, वो कौन सी है? आपकी धोलावीरा, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा था। क्या करा था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये आपका लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेरी गुड। अब ये आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो आपका शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये कौन सी नदी, इसकी डिस्कवरी किसने करी? तो देखो, सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की डिस्कवरी किसने करी थी? दयाराम साहनी ने, आपको पता होगा। उसके बाद 1922 को, 1922 में, 1922 में आपकी मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी करी थी राखल दास बैनर्जी ने। फिर 1931 में चांदूड़ो की एन जी मजूमदार ने। 1954 में कालीबंगान और मलानंद घोष ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2341, 2341। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे एक्सटेंसिव साइट, या ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर पूछा जाए सबसे बड़ी साइट या लार्जेस्ट साइट आपसे पूछी जाए, लार्जेस्ट, तो वो राखीगढ़ी। इसकी डिस्कवरी 1969 में अमरेंद्र नाथ ने करी थी। किसने करी थी? अमरेंद्र नाथ ने। अब फटाफट आप क्वेश्चन करते हुए चलिएगा, अमरेंद्र नाथ ने। और ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका हिसार में पड़ती है। हिसार यानी हरियाणा में पड़ती है। और ये कौन सी नदी के किनारे थी? तो दृश्यदावती नदी के किनारे थी। खैर, ये आपसे क्वेश्चन दृश्यदावती पर तो नहीं पूछा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड था यानी कब से कब तक थी, तो जीजस क्राइस्ट के जन्म से 2500 वर्ष पहले ये अस्तित्व में आई थी, और जीजस क्राइस्ट के जन्म से 1750 वर्ष पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय दुनिया में थी तो उस समय और कौन कौन सी सभ्यताएं थी? तो उस समय इजिप्ट की सभ्यता थी नील नदी के किनारे, उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी आज के इराक की सभ्यता, आज का जो इराक है वहां पर मेसोपोटामिया होती थी, और वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस और चमगादड़ चीन की सभ्यता भी थी हुआंगो नदी के किनारे, लेकिन ग्रीक सभ्यता नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ग्रीक, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता थी इजिप्ट की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और चीन की सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके ओके, हाँ बिल्कुल, साहिल सर ने बिल्कुल सही भेजा है। ओके, तो जीके की तैयारी यहाँ पर हम दुरुस्त करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो अब कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे है? तो ध्यान रखो, आपका जो हड़प्पा स्थल था, ठीक है, हड़प्पा जो साइट है ये आपका रवि नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो और चानू चानू दड़ो ये आपका कौन सी नदी के किनारे है? आपका सिंधु नदी, लोथल मैंने बताया, भोगवा, कालीबंगान और बानावली, कालीबंगान और बानावली ये आपकी कौन सी नदी के किनारे? घग्गर। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर तो जय हिंद सभी को मेरे भाइयों और बहनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 2 3 4। साहिल सर की पलटन आ गई, जय हिंद सभी को। अब ये आपका वेदों से संबंधित क्वेश्चन है। ओके, कौन सा वेद किससे संबंधित है? कौन सा वेद किससे संबंधित है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साहिल सर ने भेजा, आई नो, साहिल सर को मेरी तरफ से बहुत आई लव यू। तो बोलो साहिल सर को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चलो, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद में आपका क्या दे रखा है? मंत्र दे रखे हैं। ऋग्वेद में आपका क्या दे रखा है? मंत्र दे रखे हैं। ठीक है,
हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल मेरे को पता है। चलो, और आपका यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है, किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है। ओके बिल्कुल, साहिल सर जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। सामवेद आपका म्यूजिक से संबंधित है, और अथर्ववेद आपका काले जादू से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3-1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, साहिल सर की पलटन आ चुकी है, मेरे को पता है। थैंक यू। चलो जल्दी से आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत जल प्रणाली कहाँ पे मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत जल प्रणाली जो मिलती है वो धोलावीरा। एनडीए में क्वेश्चन भी आया था यहाँ पर ना, आपका जलाशय, जलाशय पाया गया था यहाँ पे। क्या पाया गया था? जलाशय, और आपका यानी वाटर रिजर्वायर, और स्टेडियम भी यहाँ पर आपको मिला है। क्या मिला है? स्टेडियम भी आपको मिला है। बिल्कुल, तो धोलावीरा। लोथल नहीं होगा इसका आंसर। लोथल में आपका गोदीबाड़ा पाया गया है। ओके, जय हिंद। बिल्कुल, ओके ओके ओके, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। वेदों को अपुरुषीय बोला जाता है। वेदों को अपुरुषीय को बोला जाता है क्योंकि वेदों की जो रचना है वो ईश्वर ने करी है, भगवान ने करी है। तो वेदों को क्या बोला जाता है? अपुरुषीय। ध्यान रखिएगा, वेदों को श्रुति भी बोला जाता है। वेदों को क्या बोला जाता है? श्रुति भी बोला जाता है, क्योंकि वेदों को लिखा नहीं गया, भगवान ने ऋषि मुनियों को बताया, ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाया। ओके चलो अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ओके, लोहे का। इसलिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युग की सभ्यता थी, यानी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी ये। कैसी थी? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मैं आपको फटाफट पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटिक कराने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। 10 राजाओं का युद्ध, ओके, इसको 10 राजन वॉर बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका परुषणी नदी के किनारे हुआ था। परुषणी नदी ये वैदिक काल नाम है, ये आज की डेट में हम रावी नदी को बुलाते हैं। किसको? रावी। वितस्ता झेलम नदी का युद्ध, कई लोग इसको झेलम आंसर दे रहे होंगे, लेकिन वो सिकंदर ने आक्रमण करा था। अस्कनी को हम किस नाम से जानते हैं? चेनाब के नाम से जानते हैं। किसके? चेनाब के नाम से। जो ए ऑप्शन दे रहे हैं ना, वो पता क्यों दे रहे हैं? विपासा को ब्यास के नाम से जानते हैं, और जो सतलुज है, सतलुज, उसे शूतुधरी के नाम से। और सिंधु वैदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी थी वो पता कौन सी थी? वो थी आपकी सरस्वती नदी। जो आप में से ए ऑप्शन दे रहे थे ना, क्योंकि हाइडपस ग्रीक भाषा का नाम है, वैदिक नाम वितत्सा, और आपका झेलम आज का नाम है। ये सिकंदर और पोरस के बीच, यानी सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण करा था वो कब किया था? 326 ईसा पूर्व, यानी 326 BC में था। ओके, वीडियो सही दिख रहा है, आप लोगों को करना पड़ेगा, वीडियो सभी को सही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से 3 वेदों को वेदित्रयी या त्रयी बोला जाता है? त्रयी और वेदित्रय इसलिए बोला था। हाँ ओके, तो यहाँ पर स्क्रीन सभी को साफ दिखाई दे रही है, एक बार बता दीजिए। स्क्रीन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। ओके, वीडियो ऑडियो क्लियर है? बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा, पहले जो 3 वेद हैं, ओके, पहले 3 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये आपके कैसे हैं? इनको वेदित्रय, क्योंकि जो अथर्ववेद है ना, ये बाकी 3 वेदों से पूरी तरीके से अलग है। ये आपका तंत्र मंत्र से संबंधित है। किससे संबंध है? तंत्र मंत्र से संबंधित है। ओके चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संगीत का सारे गामा पा धानी सा, सारे गामा पा धानी सा, 7 स्वर, वेदों का जो, वेदों के मंत्रों का जो उच्चारण है वो आपका किसमें दिया गया? सामवेद। ये भारतीय संगीत की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शूद्र, देखो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद में जो चैप्टर होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, और ऋग्वेद के 10 मंडल में, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है। क्या दिया गया? पुरुष सूक्त दिया गया। पुरुष सूक्त आपका क्या है? जिसमें वर्ण व्यवस्था दी गई है। जिसमें क्या दी गई है? वर्ण व्यवस्था दी गई है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना विश्व का सबसे पहला गणराज्य कौन सा था? विश्व का सबसे पहला गणराज्य कौन सा था? तो विश्व का सबसे पहला गणराज्य जो था वो था वज्जई। ये आपका महाजनपद हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, महाजनपद। दरअसल जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 वर्ष पहले भारत में 16 बड़े राज्य होते थे, जिनको हम महाजनपद बोलते थे। उसमें जो वज्जी, जिसकी कैपिटल क्या होती थी? वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म भी यहीं पे हुआ था, वैशाली। ये वज्जी आपका क्या था? भारत, विश्व का सबसे पहला
रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या का मतलब, यहाँ पर राजा का चुनाव होता था, इलेक्शन होता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह है। देखो गौतम बुद्ध का जो जन्म है कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जो जन्म है आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी कपिलावस्तु, और इनके जन्म को हम किससे दर्शाते हैं, लोटस से। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, सारनाथ में, और जिसको क्या बोलते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन, यहीं से ही हमने अपना अशोक चक्र भी लिया है। ओके, जो इनको संबोधि प्राप्त हुई थी वो 35 वर्ष की आयु में हुई थी, ठीक है, और ये आपका पीपल वृक्ष से, और इनका जो महापरिनिर्वाण, जो देह को त्यागा था, वो स्तूप से। तो 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान रखिएगा, जो इन्होंने गृह त्याग करा था यानी घर को छोड़ा था, गृह त्याग को दर्शाया जाता घोड़े से, क्योंकि इनका जो प्रिय घोड़े का नाम था, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंठक था। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अब ये आपका मगध साम्राज्य से संबंधित है, किससे संबंधित है, मगध साम्राज्य। ओके, मगध साम्राज्य जो है आपका, इसमें कई सारे शासक रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बिंबसार देख रहे हो, बिंबसार कौन से वंश का शासक था, ये हर्यक वंश का शासक था, और इस हर्यक वंश को आपका पितृहंता वंश कहा जाता है, क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश, हर्यक वंश को। काल अशोक जो था वो आपका शिशुनाग वंश से था, महापद्मनंद भारत पर शासन करने वाला पहला शूद्र शासक था, और बिंदुसार अशोक के फादर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 3, ठीक है, ये शायद ऑप्शन नहीं बैठ रहे इसमें, तो ध्यान रखिएगा 1, 4। ओके हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए बैठेगा इसका। ओके ओके, 1, 4, 2, 3, ठीक है, 1, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आवाज सभी को साफ सुनाई दे रही होगी। एक सेकंड मैं जरा चेक कर लेता हूँ। हेलो, आवाज तो सभी को साफ सुनाई दे रही है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण। देखो गौतम बुद्ध का जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो आपका कब हुआ था, ठीक है, ओके, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में, 563 BC में आपका कहाँ पे हुआ था, कपिला वस्तु में हुआ था, जो आपका लुम्बनी में पड़ता है, ठीक है, लुम्बनी, ओ सॉरी, गौतम बुद्ध का जन्म आपका कहाँ पे हुआ था, कपिला वस्तु में हुआ था, 563 ईसा पूर्व लुम्बनी में, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने जो अपने प्राणों को त्यागा था वो आपका त्यागा था 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की आयु में, ओके, 80 वर्ष की। वहीं अगर यहाँ पर देखो, ये महावीर स्वामी का है, किसका है, महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी यानी जो जैन धर्म के हैं, ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंद ग्राम में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कुंद ग्राम में, कब, 540 ईसा पूर्व में, कब है, 540 ईसा पूर्व में। और जो इनका निर्वाण था, निर्वाण यानी इनकी जो डेथ हुई थी, निर्वाण वो इनकी कब हुई थी, 468 BC में, आपका 72 वर्ष की आयु में। कई बार यही पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की कितने वर्ष में मृत्यु हुई थी, तो 80 वर्ष, और महावीर स्वामी की कितने वर्ष में मृत्यु हुई थी, तो 72 वर्ष। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब ये बौद्ध संगीति से संबंधित क्वेश्चन है, किससे संबंधित है, बौद्ध संगीति से संबंधित ये है। सभी को, यार मेरे को भी ऐसे क्लियर दिखाई दे रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं क्लियर दिखाई दे रहा, एक बार बताओ, कितने लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। ओके, बोर्ड पे कुछ साफ नहीं दिख रहा है तो आप अपना एक बार नेटवर्क देख लो, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, ऑल क्लियर है यार, क्लियर है, सब क्लियर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, पिछले क्वेश्चन का आंसर भाई आपका कपिला वस्तु ही तो लगाया मैंने आंसर, यहाँ पर आंसर नहीं बताया, लेकिन कपिला वस्तु में ही तो जन्म हुआ था, 563 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपको बताना है, क्या पूछा गया है, ये आपका बौद्ध संगीति। देखो सबसे पहली बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो पहली बौद्ध संगीति किसने कराई थी, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने कहाँ कराई थी, राजगीर में। फिर उसके बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर कराई थी किसने, काल अशोक ने, और ये कहाँ पे कराई थी, वैशाली में।
फिर तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो किसने कराई थी? तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने कराई थी 255 ईसा पूर्व में, और अशोक ने कहाँ कराई थी? पाटलिपुत्र में। और कनिष्क ने आपकी चौथी बौद्ध संगीति कराई थी 72 ईस्वी में, और इसने कहाँ कराई थी? कुंदलवन कश्मीर में कराई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा आपका 2, 3, 4, 1। यहाँ पर ऑप्शन में आपका कौन सा दे रखा? 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जी हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, एक पिछले क्वेश्चन का एक है यहाँ पर, महापरिनिर्वाण। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने जन्म का बता दिया। महापरिनिर्वाण जो गौतम बुद्ध का हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में, मैंने जन्म का सोच के लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप किस कांग्रेस के नेता को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये किसको बोला जाता है? ये आपका बोला जाता है दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी के आगे आप लिख लीजिएगा पीजी बीजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बाल आपके दादा भाई नेहरू जी। ध्यान रखिएगा, ये प्रथम भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है। ये प्रथम भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन थे, जो अंग्रेजों की संसद यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बने थे, ठीक है। अंग्रेजों की संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या बने थे? सदस्य बने थे। और दूसरी चीज, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था संपदा का दोहन, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज भारत को लूट के ले जाते थे ना, जिसको क्या बोला जाता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि स्वराज की मांग, ठीक है, तो ये व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के सत्र में 1906 में सबसे पहले स्वराज की मांग की थी, सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जल्दी से बताओ। तो ध्यान रखो, कांग्रेस के जो सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे वो बद्रुद्दीन तैयब जी बने थे। कब बने थे? 1887 में। कहाँ पर बने थे? मद्रास में बने थे। कहाँ पर बने थे? मद्रास में, 1887 में। कांग्रेस के पहले जो आपके प्रेसिडेंट बने थे मद्रास में बने थे, मद्रास, ओके। और ये कब बने थे? 1887, बद्रुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बारडोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था, और ध्यान रखिएगा जो इन्हें सरदार की उपाधि थी, ठीक है, कई बार पूछा जाता है सरदार की उपाधि, तो बारडोली की महिलाओं ने ही दी थी। किसने दी थी? बारडोली की महिलाओं ने दी थी, बारडोली सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलो वेदों की ओर लौटें, गो बैक टू वेदा। अभी इनका पिछले हफ्ते जन्मदिन गया है, 200 हुआ जन्मदिन, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में आपका क्या बनाया था? आर्य समाज बनाया था, ठीक है। कौन सा बनाया था? आर्य समाज। इनका जो असली नाम था वो था मूल शंकर। इनका असली नाम जो था वो क्या था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक या भारतीय शांति के जनक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, तो वो किसको बोला जाता? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को 1916 में इन्होंने भारत में क्या शुरू करा था? होम रूल आंदोलन, या जिसको होम रूल मूवमेंट हम बोलते हैं, ये इन्होंने शुरू करा था। और इसमें इनको कौन सा टाइटल मिला था? इनको मिला था लोकमान्य का टाइटल। कौन सा टाइटल मिला था इनको? लोकमान्य का टाइटल इनको मिला था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन, दरअसल मुस्लिम्स को, ठीक है, मुस्लिम्स को अलग से वोटिंग राइट दिए गए थे, तो ये 1909 में दिए गए थे। कब दिए गए थे? 1909। ये जो लॉर्ड मिंटो है उस समय भारत का वॉइस रॉय था, और इसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व तो महात्मा गांधी जी ने करा था, और जो भारतीय महिलाओं का नेतृत्व, भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू जी ने करा था। किसने करा था? सरोजनी नायडू जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने कई सारे सत्याग्रह करे। गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह था 1917 में चंपारण का था, ठीक है। इस चंपारण को नील सत्याग्रह भी बोलते हैं, और इसी में ही इन्हें महात्मा का टाइटल दिया गया था। इसी में ही इन्हें कौन सा टाइटल दिया था? महात्मा का टाइटल दिया गया था। तो
ध्यान रखो, अहमदाबाद मेल आंदोलन जो हुआ था 1918 में, तो गांधी जी इसमें पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। गांधी जी इसमें पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो 1916 में आपका प्रेस्टिजियस बहुत ही प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU बना, ये जो BHU था 1898 में, इसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहा जाता था। और इसकी स्थापना किसने करी थी? एनी बेसेंट ने करी थी। इसकी स्थापना किसने करी थी? एनी बेसेंट ने। और BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा, अगर BHU पूछा जाएगा तो मदन मोहन मालवीय जी। और मदन मोहन मालवीय जी को गांधी जी ने महामना की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? महामना की उपाधि दी थी। चलो ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? दरअसल अंग्रेजों ने टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक पोस्ट बनाई थी जिसको कलेक्टर का पद बोला जाता था, कलेक्टर। और कलेक्टर का पद बनाने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भारत में सिविल सेवा की शुरुआत करी थी। किसकी शुरुआत करी थी? सिविल सेवा की। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना तो सेशन को यार लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी तो वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, PGMG। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो कौन है पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, तो वो आपके बैठेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, आपको बताना है ये घटना कब कब हुई। देखो सबसे पहले आपका जो हुआ था वो क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, चरखा खादी। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का विरोध होता है, लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है, और फिर पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ही नहीं लेती। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है जब 1931 में आपका पूना पैक्ट होता है, 5 मार्च 1931। कहते हैं कि यहाँ पे भगत सिंह को बचाया जा सकता था। और आपका 1932 में आपका पूना पैक्ट होता है, रिजर्वेशन आपका पूना पैक्ट से ही शुरू होता है। तो अब इसके बेसिस पे बताओ, देखो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, तो यानी क्या होगा? 2143, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अरे वेरी गुड, 2143 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलो गांधी जी ने, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी, और 24 दिनों तक वो चले थे। और कहाँ पहुंचे थे? 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को डांडी के गांव तक, साबरमती से, उनके आश्रम से चले थे साबरमती से। और आपका कहाँ तक गए थे? डांडी। और मुट्ठी भर के नमक उठाया था, नमक कानून को तोड़ दिया था। तो उसमें उन्होंने 390 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। कितनी? 390, 240 मील। ध्यान रखिएगा, 390 किलोमीटर और 240 मील, 390 किलोमीटर, 348 नहीं बेटा, ठीक है, ध्यान रखे ना। आपको बताना है जलियांवाला बाग, भाई 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उस समय जो भारत का वॉइस राय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ओके, वो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, बिल्कुल। हाँ, PDF मिलेगी आपको, अभी आप क्वेश्चन करते रहो। आपको बताना है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, यानी जब भारत को आजादी मिली थी तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? JB कृपलानी। ये 1946 मेरठ में ये सत्र हुआ था, मेरठ क्रांति की नगरी, और वहां तब ये प्रेसिडेंट थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जब भारत आजाद हुआ था तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, लिख ले हो, क्लीमेंट, ठीक है, क्लीमेंट एटली, ये भारत के प्रधानमंत्री थे जब क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई थी जो भारत के वेद होते थे या इस्लामिक जो किताबें होती थी उनका इंग्लिश में अनुवाद करते थे। तो इसको किसने करा था? इसको विलियम जोन्स ने बनाया था। किसने बनाया था? विलियम जोन्स ने, ठीक है। जेम्स हिक्की ने भारत का पहला न्यूज़पेपर चलाया था, ठीक है, भारत का पहला न्यूज़पेपर जिसका नाम था बंगाल गजट। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला न्यूज़पेपर तो इसका नाम था दी बंगाल गजट, इसका नाम था, ठीक है, बंगाल गजट इसका नाम था। चलो आगे बताओ,
और ये जो आपका जेम्स प्रिंसेप है ना, 1838 में अशोक अपने स्तंभ लेख, ठीक है, अशोक आपके स्तंभ लेख लिखता था, यानी पिलर, उसके जो स्तंभ लेख और उसके जो शिला लेख हैं उनको पढ़ा था किसने, तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ओके, बोर्ड पे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना नेटवर्क चेक करें, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी को कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। क्या सभी को दिक्कत हो रही है? साउंड प्रॉब्लम? मेरे को बोर्ड में तो कुछ दिक्कत नहीं लग रही। ओके, वॉइस नहीं आ रही है। ओके ओके, क्लियर है सब? ठीक है, प्रणाम प्रणाम, सब सही है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा टेन्योर जो रहा है हमारे वॉइस रॉय में, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक भारत का वॉइस रॉय रहा है, 8 साल। ओके, 8 साल रहा है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, गदर पार्टी जो है 1913 में, आपका ये यूएसए में बनी थी। यूएसए में कौन सी जगह? एक जगह पड़ती है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और इसकी जो संस्थापक हैं वो कौन है? लाला हरदयाल। देखो, कोई ना कोई एक क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, लाला हरदयाल। और ये जो आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1924 में बनी थी, इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था, इन्होंने काकोरी ट्रेन को लूटा था। स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने बनाई थी। और 1928 में भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई थी, ठीक है। तो ये आपकी ना ध्यान रखेगा, ये आपकी कानपुर में बनी थी, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बनाई थी। इन्होंने क्या करा था, 9 अगस्त ओके 1925 को काकोरी में ट्रेन को लूट लिया था। बाद में इन सभी को पकड़ के फांसी दे दी गई थी, केवल चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़ के। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वन वन के बाद आपका थ्री, ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, 1938 का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध यानी अनअपोज्ड कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। निर्विरोध कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और ये कहाँ पे हुआ था? हरिहरपुरा में। फिर 1939 में त्रिपुरी में दोबारा से कांग्रेस का सत्र होता, और इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं गांधी जी के विरोध के बाद, लेकिन बाद में वो क्या कर देते हैं? रिजाइन कर देते हैं। और रिजाइन करने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, साउंड में क्या इशू आ रहा है? ओके, एक बार मैं देख लेता हूं। साउंड में बार बार हर कोई ये कह रहा है साउंड में इशू है। क्या सभी को साउंड में इशू आ रहा है? ठीक है, अच्छा, डिस्टरबेंस हो रहा है, रुक जाओ, अभी मैं से ठीक कर देता हूँ, रुको। ओके, अब मेरे ख्याल से साउंड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, घर घर की आवाज आ रही है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब क्लियर है आवाज? चलो कोई बात नहीं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में पहला रिफॉर्म मूवमेंट। तो देखो, ब्रह्मो समाज आपका 1828 में, ठीक है, ब्रह्मो समाज आपका 1828 में, ओके, आपका किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा के खिलाफ ये शुरू करा था, और ये भारत का सबसे पहला रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है। उसके बाद आपका आर्य समाज जो है 1875 में, मैंने आपको बताया दयानंद सरस्वती जी ने बम्बई में इसका उद्घाटन करा था, मतलब इसको शुरू करा था। और रामकृष्ण मिशन 1898 में स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेक
आनंद ने इसको शुरू करा था, विवेकानंद ने, ठीक है, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि सती प्रथा 1829 में जो अंत किया गया था सती प्रथा का, वो किसने करा था? तो आपका जो सती प्रथा का अंत हुआ था वो आपका किसने करा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन रेगुलेशन 17 या रेगुलेशन 17 के द्वारा, रेगुलेशन 17 के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। अगला प्रश्न, ये रिपीट हो गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने करी थी 1873 में, ठीक है। जो दलित शब्द आप सुनते होंगे वो ज्योतिबा फूले जी ने दिया है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ये एक भू राजस्व व्यवस्था थी 1793 में, और इसी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर की पोस्ट बनाई थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रैयतवाड़ी सिस्टम, ये मद्रास में शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी सिस्टम आपका 1820 में शुरू हुई थी और ये दो व्यक्तियों ने शुरू करा था, अलेक्जेंडर रीड और इनके साथ थे कैप्टन थॉमस मुनरो, कैप्टन थॉमस मुनरो, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये जैसे 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई बोला जाता है, 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई बोला जाता है, उसी तरीके से जो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी है, ठीक है, उसी तरीके से रॉयल इंडियन नेवी, हाँ सब सही आ रही है, आवाज मेरे को तो नहीं लगता आवाज की कोई दिक्कत है, आप सभी कह रहे थे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके हेडफोन के, ओके स्लो आ रहा है, चलो अब नहीं आना चाहिए स्लो, ये क्या हो गया इसमें? ठीक है चलो, खैर कोई बात नहीं, पहले तो ठीक था, अब आप लोगों को पता नहीं, आप अपना नेटवर्क भी देख ले सर, कोई दिक्कत ना हो। ओके तो ध्यान रखिएगा, आपका जो ये विद्रोह हुआ था आयनस तलवार पे हुआ था, किस पे हुआ था? आयनस तलवार पे हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा कौन से आंदोलन में दिया था? तो ध्यान रखिएगा 1920 से 1922 तक आपका क्या चला था? आपका असहयोग आंदोलन, और गांधी जी ने उसमें एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? एक वर्ष में स्वराज। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कौन से आंदोलन में दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को 1916 में जो असहयोग, ओ सॉरी, जो होम रूल आंदोलन हुआ था उसमें बाल गंगाधर तिलक को किसकी उपाधि दी गई थी? लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओके इंग्लिश, अब ये थोड़ा स्टैटिक जी के टाइप है। इंग्लिश चैनल को तैर कर, इंग्लिश चैनल क्या है? एक समुद्र है, किसके? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। इसको तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय जो है वो कौन है? मिहिर सेन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए महिला कौन है, तो वो उनका नाम है आरती साहा, ठीक है, आरती साहा। इन्होंने, ये क्या है, पहली महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करा था, और पहले भारतीय जो थे वो मिहिर सेन। इसी तरीके से एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय जो थे उनका नाम था अवतार सिंह चीमा। ये एवरेस्ट पे चढ़ने वाले 16वें व्यक्ति थे, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी उनका नाम था बचेंद्री पाल। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैनेसेट, ये कौन से देश की संसद? जैसे जापान हमारा दोस्त है, जापान की संसद को बुलाया जाता है डाइट। रशिया भी हमारा दोस्त है, रशिया की संसद को बुलाया जाता है ड्यूमा। और अब तो यूएसए भी हमारा दोस्त बन गया है, यूएसए की संसद को बुलाया जाता है कांग्रेस। और इसराइल भी हमारा दोस्त है, इसराइल की संसद को क्या बुलाया जाता है? कैनेसेट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? कैनेसेट। ओके तुतिकोरिन, तुतिकोरिन को मोती नगरी यानी पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, मोती नगरी यानी पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जो तुतिकोरिन है ये तमिलनाडु में है, किसमें है? तमिलनाडु में है, इसे मोती नगरी। केरल में आपका कोच्ची पड़ता है, कोच्ची को
क्या बोला जाता है, अरब सागर की महारानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है। और अगर कभी पूछ लिया जाए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, तो वो विशाखापट्टनम है और भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित एयरपोर्ट है। अब ऊंचाई पे स्थित कहाँ होगा, तो लेह एयरपोर्ट का नाम क्या होगा, कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको बताना है सतलुज। देखो सतलुज जो नदी है ये कहाँ उत्पन्न होती है, ये कैलाश मानसरोवर के पास, ओके, कैलाश मानसरोवर झील के पास राक्षस झील है, वहां से ये उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट होती है और हिमालय को काट कर बहती है। तो ये जो भारत में प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रा, कई बार पूछा जाता है शिपकिला दर्रा कहाँ पड़ता है, तो शिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम रेमन मैगेसे पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था, तो ये रेमन मैगेसे पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं और फिलीपीन देश देता, कौन सा देश देता, फिलीपीन। तो आचार्य विनोबा भावे को 1952 में प्रथम रेमन मैगेसे पुरस्कार दिया गया था, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया था, पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, 1954 में ओके चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रतन दिया गया था, क्या दिया गया था, भारत रतन। और देविका रानी जी को 1977 में आपका क्या दिया गया था, 1972 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, साइंस डे कब मनाया जाता है, देखो 11 मई को तो आपका टेक्नोलॉजिकल डे मनाया जाता है, टेक्नोलॉजिकल डे, क्योंकि 11 मई 1998 को हमने परमाणु विस्फोट करे थे, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है तो नेशनल स्पोर्ट्स डे, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है तो नेशनल यूनिटी डे, और 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, हम विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस। चलो अब इंटरपोल, ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरपोल की जो समिट है 2022 में कहाँ पे हुई, तो इंटरपोल की समिट 2022 में आपका कहाँ पे हुई है, दिल्ली में हुई है, और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, लियोन में, इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स का ओके एयर वॉरफेयर कॉलेज कहाँ, तो इंडियन एयरफोर्स की एकेडमी भी आपकी तेलंगाना में है, ठीक है, डिंडुगुल में, और इंडियन एयरफोर्स का एयर वॉरफेयर कॉलेज भी आपका कहाँ पड़ता है, सिकंदराबाद में पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपका अगर फॉरेस्ट देखा जाए तो फॉरेस्ट डे आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, फॉरेस्ट के कारण पृथ्वी पर वर्षा होती है, तो वाटर डे आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, और अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आपको बताना है भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है, कौन से राज्य की है। देखो भारत की सबसे लंबी अगर तट रेखा बोले तो लॉन्गेस्ट तो आपकी गुजरात की है, और सबसे छोटी अगर देखा जाए शॉर्टेस्ट तो आपकी किसकी है, गोवा की है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूनेस्को, यूनेस्को कितना आपका जैसे दुर्गा पूजा हो गया, योग हो गया, आपका कुंभ हो गया, इसको भारत की अमूर्त संस्कृति, धोलावीरा को विश्व धरोहर घोषित करना, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपका पेरिस में है, कहाँ पर इसका मुख्यालय, पेरिस में है। चलो वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, पेरिस में है, और पेरिस आपका सीन नदी के किनारे है, किसमें, सीन नदी के किनारे है, और आपका वॉशिंगटन डीसी में तो आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, और वर्ल्ड बैंक के अलावा आईएमएफ का मुख्यालय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जमुना को जो है बांग्लादेश, जो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्रा नदी को, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्रा और गंगा यानी पद्मा जमुना एक दूसरे से मिलती है तो मेघना, और ये क्या बनाती है, सुंदरबन,
सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। सुंदरबन क्या है, ये सबसे बड़ा डेल्टा है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये बांग्लादेश और आपका बंगाल में दोनों में पड़ता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो एक बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, ये किसने इसकी स्थापना करी थी? देखो, कुमार गुप्त ने तो बिहार में ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, लेकिन आपके धर्मपाल ने आगे चलकर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। धर्मपाल ने आगे चलकर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। ट्रीटी ऑफ संगोली, ये गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी, ओके। जो गोरखा रेजिमेंट भारतीय थल सेना में है वो आपका इसमें होता, 1816 में। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की पहली सेंसस कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी और लॉर्ड मायो के समय हुई थी। ये एकमात्र वायसरॉय है जिसको मर्डर कर दिया गया था, कहाँ पर? आपका काला पानी यानी सेलुलर जेल में, ठीक है। ये एकमात्र वायसरॉय है जिसकी हत्या कर दी गई थी, काला पानी में, ओके। अगला क्वेश्चन, सब्सिडरी अलायंस, अंग्रेज इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने भारत में जो देसी रियासत थी उनके जो देसी राजा होते थे उनसे कह दिया था कि भाई एक काम करो, तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, हमारी सेना रखोगे और उसका खर्चा दोगे, अगर तुम उसका खर्चा नहीं दे पाए तो हम तुम्हारा राज्य मिला लेंगे। तो ये सब्सिडरी अलायंस 1798 में आया था और सबसे पहले इसको हैदराबाद में लागू किया गया था। किस में लागू किया गया था? हैदराबाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी 11/11/11/11 यानी 11 नवंबर 1911 को ट्रांसफर की गई थी, और उस समय भारत का जो वॉइस रॉय था लॉर्ड हार्डिंग था। उस समय भारत का वॉइस रॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो, भारत में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने करा था 1829 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लाया था आपका क्या परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। लॉर्ड वीजली 1798 में क्या लाया था? सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि। लॉर्ड हेस्टिंग, ये इसके समय में एंग्लो मराठा वॉर नहीं हुई थी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ओके ओके। लॉर्ड जो वॉरेन हेस्टिंग है ये क्या था? फर्स्ट यानी पहला गवर्नर जनरल था, किसका? बंगाल का। फर्स्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का, और ये कब बना था? 1773 में बना था। कब बना था? 1773 में। ये जीके ही पढ़ा रहा हूँ आपके, जनरल एप्टीट्यूड में जीके भी आ सकती है और आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं तो जीके की करा रहा हूँ, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एमएमआरसी, जैसे जो हमारा राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, राफेल, ये क्या है आपका? एमएमआरसी है यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इसी तरीके से तेजस हमारा जो क्या है, तेजस है लाइट, ओके। तो प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, LCH है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध के जो पहले उपदेश है इसको बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन इसको बोला जाता है। और ये कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आसियान, ये दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है, जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ओके, तो फिलीपींस हो गया, तो इनमें आपका स्थल रुद्ध देश कौन सा है? लैंड लॉक कंट्री यानी जिसका कोई सागर का किनारा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा लाओस, ठीक है। लाओस क्या है आपका? स्थल रुद्ध देश है। लाओस क्या है आपका? स्थल रुद्ध देश है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखो आर्टिक होम थ्योरी जो आपका वैदिक काल में पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं आर्यंस के बारे में, तो ये कहा जाता कि आर्यंस जो थे वो यहाँ के निवासी नहीं थे। मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आर्य लोग जो आए थे वो मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से भारत आए थे, और जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने कहा था कि जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे, वो आपका कहाँ से आए थे? आर्टिक होम, या आपसे पूछा जा सकता कि नॉर्थ पोल से आए थे। कहाँ से आए थे? नॉर्थ पोल से आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त, ठीक है, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय भारत का वॉयसराय जो था
वो लॉर्ड लिथगो था, 1936 से 1944 तक रहा, 1936 से 1944 तक रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मदन मोहन मालवीय जी को महामना का उपाधि किसने दी थी? तो मैंने बताया ना, 1916 में जब BHU का उद्घाटन हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि दी थी। जी हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है नौजवान भारत सभा, देखो भगत सिंह जी ने 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा का स्थापना करी थी। कैप्टन मोहन सिंह ने, ध्यान रखो, 1943 में सिंगापुर में, कैप्टन मोहन सिंह ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। इस आजाद हिंद फौज को हम इंडियन नेशनल आर्मी भी बोलते हैं। सूर्य सेन एक टीचर थे, 1930 में इन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर चिटागोंग आर्मरी, अंग्रेजों का बंदूक बम लूट लिया था, आर्मरी रेड करी थी इन्होंने, ठीक है। और आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी ने आपका 1924 में क्या बनाई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इन्होंने फिर काकोरी लूट करी थी। ओके चलो, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर आपको, अब ये ज्योग्राफी शुरू हो रही है, अगर आपको ग्लोब पर किसी व्यक्ति की हमें स्थिति देखनी है, किसी व्यक्ति की हमें स्थिति देखनी है, तो हमें अक्षांश और देशांतर दोनों चाहिए होंगे। GPS इसी पे ही काम करता है, अक्षांश और देशांतर पर। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलो अब ऑप्शन नंबर सी, 21 का आंसर क्या था, मैं फटाफट बता देता हूँ 21 का आंसर क्या था। ओके, 21 का आंसर सारनाथ था बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेन गंगा, देखो वेन गंगा हो, पेन गंगा हो, ठीक है, मंजरी नदी हो, मंजरी, या आपकी साबरी नदी हो, ठीक है, आपकी साबरी या इंद्रावती नदी हो, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी सहायक नदियां पड़ती है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, दक्षिणी गंगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इसमें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखो ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की पहली बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस, सॉरी, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष नहीं थे, वो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा है। तो हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है, तो ये आपका पहला आपका गलत हो जाएगा। आपका पहला गलत हो जाएगा। और जो संविधान सभा ने भारतीय जो ध्वज है, हमारा जो तिरंगा है, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया गया था, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसने अपना दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जो आप में से सी आंसर दे रहे हो वो इस चीज को ध्यान ले, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रेजेंट करा था, 22 जनवरी को अपनाया गया था, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी। इसमें राष्ट्रीय गान जनगणमन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और भारत के राष्ट्रपति जी का चुनाव किया गया था। अगला क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी रचना भगवान के द्वारा की गई है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया था, इसको प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंकित सिंह, तुम तो पेड़ बैच में पढ़ चुके हो, पहले आपके जो है सचिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को आपका जो राजेंद्र प्रसाद है वो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए सत्यम पंडित कल क्लियर हो जाएगा, किसी RPF में जनरल एप्टीट्यूड में जीके पूछा है, क्लरिकल एप्टीट्यूड पूछा है। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं अपना, किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति जी को देते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले किसको बताएंगे? देखो आर्टिकल 79 जो है वो ये बताता है कि जो हमारी संसद है, ठीक है, संसद है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है, राज्यसभा जिसके अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के अध्यक्ष तो खुद उपराष्ट्रपति होते हैं,
तो इसी वजह से उन्हें लोकसभा स्पीकर को बताना होता है। किसको बताना होता है? लोकसभा स्पीकर को। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चुंबी घाटी। चुंबी घाटी भूटान और सिक्किम के बीच है, और ये आपका यहाँ पर कौन सा माउंट पहाड़ी दर्रा लगता है? झेलेपला। झेलेपला और नाथुला दोनों पहाड़ी दर्रे आपके कहाँ पर हैं? सिक्किम में पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल। देखो जो हिमालय है, जो सबसे ऊंचे हिमालय हैं उन्हें बोलते हैं महानिमालय। फिर आते हैं लघु हिमालय। इस लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से, पीर पंजाल बुलाया जाता है जम्मू कश्मीर में, धौलाधर बुलाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा बुलाया जाता है उत्तराखंड में, महाभारत लेख बुलाया जाता है नेपाल में। तो ये जम्मू कश्मीर में आपको पीर पंजाल को किस बुलाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हिमालय जो पर्वत है ये किस प्रकार के पर्वत है? तो हिमालय दो प्लेटों के टकराने के कारण हुआ है। अगर आप एक रुमाल दो, रुमाल को वैसे करो तो उसमें भी ऐसे ऐसे बल पड़ जाएंगे। तो हिमालय कैसे है? नवीन वलित पर्वत है। अच्छा, भारत में अरावली तो आप जानते ही होंगे, अरावली, अरावली पर्वत जो है वो कैसे हैं आपके? रेगुड़ पर्वत है। इनका धीरे धीरे इरोजन हो रहा है, अपरदन हो रहा है। और अगर आप देखो पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, जो महाराष्ट्र में आपको पर्वत मिलेंगे, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाटों को सह्याद्री भी बुलाते हैं। इनको क्या बुलाते हैं? सह्याद्री। तो ये आपके कैसे हैं? ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, 5000, ओके, इसकी जो हाइट है 8598 मीटर है। और ये आपका कौन से राज्य में पड़ती है? ये आपका सिक्किम में पड़ती है। किस में पड़ती है? सिक्किम में। वैसे भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केटू पर्वत है, लेकिन वो काराकोरम पहाड़ियों में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हिमालय। देखो हिमालय जो आपके एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, इनको महान यानी हम ग्रेट हिमालयाज बुलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लघु हिमालय, ठीक है, जिनको हम लेसर हिमालयाज बोलते हैं, जैसे वो पीर पंजाल धौलाधर। इसके बाद आपका जो हरिद्वार वगैरह गए होंगे इनको हम आउटर हिमालयाज बुलाते हैं, भगवान शिव जी की जटाएं बुलाया जाता है, तो इसको इसका नाम शिवालिक के नाम से जानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, बुर्जिल और जोजिला। देखो अगर यूं इंडिया का मैप देखो तो बुर्जिल पास इधर है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित बाल्टिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। और जो जोजिला पास है ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह लद्दाख से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको पवित्र मानसरोवर यात्रा या भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश की यात्रा करनी हो तो आपको उत्तराखंड के लिपुलेख पास से होके जाना पड़ेगा। ओके ओके, आपके लिपुलेख के पास होके जाना। अगर आपका सेंटर नोएडा सेक्टर 62 में पड़ा है तो ध्यान लीजिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो TCS ले रहा है। अगर आपका सेंटर नोएडा सेक्टर 62 में पड़ा है, तो अगर किसी का एडमिट कार्ड आया और नोएडा सेक्टर 62 है, तो समझ लीजिएगा आपका जो एग्जाम सेंटर है वो TCS ले रहा है। ओके, और अगर आप जब वहाँ पे देखें तो IP एड्रेस अगर DG LAM लिखा हो तो समझ लीजिएगा वो TCS पेपर ले रहा है। ठीक है, और इससे ज़्यादा जानकारी मैं अभी नहीं दे सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के बीच में है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़। गुरु शिखर मत कर देना, गुरु शिखर आपकी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा की सबसे पहले मांग 1934 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की सबसे पहले मांग 1934 में की गई थी और वो करने वाला व्यक्ति कौन था? MN रॉय। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो वो किसने करी थी? आपकी MN रॉय साहब ने करी थी। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें पहली बैठक में जो है अस्थाई यानी अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और जो राजेंद्र प्रसाद है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई थी उसमें परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो सर BN राव थे। वो कौन थे? सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को।
ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बैनर्जी ने करी थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, क्या है, फाउंडर हैं, ओके, फाउंडर। और ये जो सेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल कॉलेज, गोकुल दास ओके तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखो, संस्कृत कॉलेज में इसका ये सत्र आयोजित किया गया था। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस से पहले की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो वो इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन से ही कांग्रेस बनी थी 1876 में। एस एन बैनर्जी जो है इनको राष्ट्र गुरु बोला जाता है। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो एक आप पढ़ते होंगे स्वदेशी आंदोलन, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन इन्होंने ही शुरू करा था, ओके। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2032 में समर ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो देखो 2032 में तो आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2028 में आपका यूएसए में होगा, और 2024 में यानी अगले साल पेरिस में होगा। और इस साल इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन की जो मीटिंग है वो इंडिया में होनी है, और उसमें ये बात की जा रही है कि 2036 में भारत को मेजबानी दी जाए। खैर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2022 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है न्यूजीलैंड में, वो किसने जीता? वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और भारत की जो महिला क्रिकेट टीम थी वो इसमें क्या थी, आपका सेमी फाइनल में हार गई थी। अभी आज ही कल ही मैच हुआ है जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2020 वर्ल्ड कप जो चल रहा है वुमेन का, वो कहाँ चल रहा है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप हो चुका है, जो भारत की लड़कियों ने ही जीता है। तो भारत की बेटियां अब सेमीफाइनल में भी पहुंच गई हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसी तरीके से इंडियन जो क्रिकेट टीम थी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गई थी, जो आपका बर्मिंगम इंग्लैंड में हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने फिर हरा दिया था, तो हमारे को क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्लीन एंड जर्क ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ध्यान रखिएगा वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू काफी न्यूज में बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा इसमें एक तरीका होता है वजन को उठाने का जिसको क्लीन एंड जर्क बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, रोपे डोप, रोपे डोप अब जो है ये शब्द कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो बॉक्सिंग। अगर आप अपने प्रतिद्वंदी अपने कॉम्पिटिटर को रिंग में रोप के पास ले जाकर उसे ब्लॉक कर देते हो तो उसे रोपे डोप बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसे हमें कितने दिनों में भरना होता है? तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो उसे 6 महीनों के भीतर हमें भरना ही होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में यूएसएसआर से ऐड की गई, सरदार, ठीक है, सरदार स्वर्ण, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया था। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है भारत के संविधान में? 11, और इसका एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A या अनुच्छेद 51 का, और ये आपका पार्ट 4A में पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो देखो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था, 21 का, इसमें आपका क्या है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार ये है, राइट टू स्पीच अनुच्छेद 19 में, राइट टू लाइफ जिसमें आपका प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार है, लेकिन जो राइट टू इंफॉर्मेशन है 2005 में लागू किया गया था, और ये आपका एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, ठीक है, ये आपका क्या है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी, पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था, आर्टिकल 31 में आता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसे फंडामेंटल राइट में से निकाल कर अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया, और ये क्या बन गया, एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट ये बन गया, ये क्या बन गया, कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट ये बन गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संसद का संयुक्त सत्र अनुच्छेद 108 में आता है, संसद का संयुक्त सत्र, और ये हमने जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है।
संसद का जो संयुक्त सत्र है इसको जो बुलाते हैं, सम्मन जो करते हैं, वो तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्षता आपकी कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। भारत के इतिहास में 1961 में हुआ, 1978 में हुआ और आखिरी बार 2002 में। तो संसद का संयुक्त सत्र अभी तक केवल 3 बार ही किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 को। जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन हनन होता है, यानी मौलिक अधिकार आपसे छीने जाते हैं, तो आप आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब बताइएगा कि अगर जो मनी बिल है, ठीक है, मनी बिल आपका अनुच्छेद 110 में आता है। मनी बिल किस में आता है? अनुच्छेद 110 में आता है। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका जो क्या कहते हैं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करते हैं लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी अटॉर्नी जनरल, इसको महान्यायवादी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महान्यायवादी। तो ये महान्यायवादी कौन होते हैं आपके भारत के पहले? ये आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं महान्यायवादी, इनको बुलाया जाता है। और जो अटॉर्नी जनरल है, ध्यान रखिएगा अटॉर्नी जनरल आपका आर्टिकल 76 में आता है। और भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? आर वेंकट रमानी। ठीक है, आर वेंकट रमानी ये भारत के नए अटॉर्नी जनरल है। इनका अगस्त में अपॉइंटमेंट हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति किन्हीं दो सदनों का सदस्य नहीं होता? तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। संसद यानी संसद बन के ही आपका राज्यसभा से, राष्ट्रपति से और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। बल्कि प्रधानमंत्री हो और कोई भी मिनिस्टर हो, वो आपका राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखो हमारे यहाँ आपराधिक कानून सभी धर्म, सभी पुरुष और महिला सबके लिए एक समान है। लेकिन आपके जो जमीन, फैमिली, शादी ब्याह से रिलेटेड है वो सबके अलग अलग धर्मों के हिसाब से है। तो अनुच्छेद 44 में आपका क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल गोवा में ही लागू है भारत में। किसमें है? गोवा में ही लागू है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो यार सेशन को लाइक जरूर करें। आप सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कल 10:30 बजे, जिनका एग्जाम कल नहीं है, कल 10:30 बजे जरूर लाइव आए। और जरा ये लाइक की संख्या एक बार मेरी दिल की तमन्ना पूरी कर दो, 1000 लाइक कर दो तो बहुत बढ़िया होगा। सोमनाथ भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग, इस पर 1025 में महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण करा था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा है और इसका ये 16वां आक्रमण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जीएसटी, जीएसटी सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? तो जीएसटी सबसे पहले आपका 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। भारत में 101 संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से भारत में इसको लागू किया गया। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इसको फटाफट अपनी प्रैक्टिस करते चलो भाई, एकदम 1000 लाइक करवा दो आज, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, टीवी रिमोट, टीवी रिमोट आपका किस पे कर चलता है? देखो अल्ट्रासोनिक पे तो आपका सोनार और समुद्र की गहराई को मापने के लिए क्या यूज होता है? फैदोमीटर इस पे काम करता है। माइक्रोवेव पर आपका सैटेलाइट, और यहाँ तक क्या आपका वायरलेस हो गया, वायरलेस हो गया आपका मोबाइल हो गया, माइक्रोवेव। इंफ्रारेड पर आपका क्या चलता है? इंफ्रारेड पर आपका क्या चलता है? इंफ्रारेड पर आपका टीवी रिमोट चलता है। अंधेरे में फोटोग्राफी करने के लिए भी हम इसी का उपयोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक। विटामिन के का फाइलो, ठीक है, क्यूनॉन है, क्यूनॉन। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से रात को अंधेरे में दिखाई नहीं देता, रतौंधी हो जाते हैं। विटामिन डी कैल्सी फेरॉल। और विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट हो जाते हैं, हमारे घुटने ऐसे मुड़ जाते हैं। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, हमारे जख्म नहीं भरते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वॉइस रॉय कौन था जब पहला सेशन हुआ था? या यूं भी पूछा जा सकता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वॉइस रॉय कौन था? तो जब भारत की
जब हुई थी तो कौन था भारत का वॉयसराय। ठीक है, तो ध्यान रखो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा लॉर्ड डफरिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। सिग्मा रूल कैसे रूल करोगे यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम कांग्रेस के 12वें सत्र में गाया गया था। ओके, और ये कलकत्ता में था। रहीम तुल्ला सयानी इसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा मद्रास के सेशन में बद्रू, ठीक है, बद्रू दीन तैयब जी। अगर कल जीके आएगी ना तो जो आज करा रहा हूँ उसमें से जरूर फंसेंगे। ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, फर्स्ट मुस्लिम। ओके, और आपका इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था इसमें जॉर्ज यूल थे। क्या थे? जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल जो थे ये आपके क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेशनल एंथम जनगण मन जब गाया गया था। चलो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखो इस, अरे एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन, जब जनगण मन गाया गया था तो जनगण मन आपका जो गाया गया था 1911, ठीक है, कलकत्ता में गाया गया था। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कलकत्ता में ही 1896 में आपका वंदे मातरम गाया गया था, कलकत्ता में 1911 में आपका जनगण मन गाया गया था। ठीक है, ओके, और बद्रुद्दीन तैयब जी इनके बारे में तो पता ही है। ओके, कल जिनका पेपर है उनको ढेर सारा भाई शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर करना अपना। ओके, आप सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, मतलब ओके एक मिनट रुक जाओ। आगे बढ़ गया पेपर, रुको एक सेकंड, एक सेकंड। ओके चलो, ओके, यहां तक हमने कर लिया। अब देखो पॉलिटी की क्विज शुरू हो रही है। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 22वां राज्य, मतलब सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा भारत में पहले सिक्किम को जोड़ा गया था, 22वां राज्य उसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत बनाया गया था। ध्यान रखिएगा सिक्किम को पहले सहराज्य को स्टेट के तौर पर जोड़ा गया था, कब? 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ओके चलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिक्किम को जोड़ा गया तो 35वां संविधान संशोधन, जोड़ के उसे दोबारा राज्य बनाया तो 36वां संविधान संशोधन। आशीर्वाद बिल्कुल है आप सभी को। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कल अपना सर्वश्रेष्ठ दें और अपनी मेहनत और अपने बल पर आप जरूर सिलेक्शन लें। ठीक है, अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गैर न्यायोचित अधिकार है? तो देखो फंडामेंटल राइट आप कोर्ट में जाके लागू करवा सकते हैं, ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये जो राइट टू लाइवलीहुड है ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दे रखा है, तो ये आपका क्या है? गैर न्यायोचित, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिट नहीं है? अनुच्छेद 32 में 5 रिट होती है, मैंडमस होती है, हैबियस कॉर्पस होती है, सर्टेवारी होती है, प्रोहिबिशन होती है, क्यू वारंटो होती है। ठीक है, यानी ये 3 रिट तो होती हैं, इसके अलावा एक होती है क्यू वारंटो, वारंटो होती है, और एक आपकी कौन सी होती है? प्रोहिबिशन होती है, प्रतिषेध इसे हम बोलते हैं, लेकिन आपका ये सर्वेबिलिटी ये आपकी नहीं होती है। ओके चलो, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है? तो राइट टू एजुकेशन तो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, राइट टू एजुकेशन जो अल्पसंख्यक है अपने शिक्षा संस्था बना सकते हैं ये भी है, और आपका राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी ये भी है, लेकिन आपका उपाधियों का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा आप केवल आप शैक्षिक, और आप शैक्षिक उपाधियां, और दूसरी आप कौन सी उपाधि रख सकते हैं? सैन्य उपाधियां रख सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में जो चुनाव होते हैं, ठीक है, भारत में जो चुनाव होते हैं उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, तो इसे को क्या हम बोलते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमसे बोलते हैं। जी वीर सिंह आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए आपके पास 10% सीट होना अनिवार्य है लोकसभा में। ओके,
लोकसभा में आपका विपक्ष का नेता बनने के लिए आपका 10% सीट होनी चाहिए, ठीक है। अभी पिछली लोकसभा जो 2014 से 19 तक थी, उसमें कोई विपक्ष का नेता नहीं था, और ना इस वाली में। लोकसभा में पंचायत जो है वो कौन से अनुसूची में, आपकी 9वीं अनुसूची में, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल सचिन तेंदुलकर का बर्थडे होता है। धन विधेयक किस में आता है, तो आपको पता है धन विधेयक अनुच्छेद 110 में आता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बजट किस में आता है, तो अनुच्छेद 112 में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत देखो जोड़ा तो वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन उससे पहले भी ग्राम पंचायत थी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है भारत के संविधान के कौन से भाग में दे रखी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान के भाग 4 क में दे रखी है। किसमें दे रखी है, पार्ट 4A में। अगला क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये 1985 यानी आपकी 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, ये आपका क्या है, 10th शेड्यूल में आता है। किसमें आता है, 10th शेड्यूल। अरे 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। अच्छा, रेजिड्यूजल पावर, ये आपका आर्टिकल 348 में, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शक्ति मिलने के बाद भी अगर कोई शक्ति बच जाती है तो उसे रेजिडुअल पावर बोलते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है आपका, तो ये आपका किस में आता है, सी में आता है। क्वेश्चन नंबर 11वां, फिर से देखूं, 11वां क्वेश्चन नंबर 11वां ही तो कह रहे हो, 7। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड। अच्छा सो ओके 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 सॉरी सॉरी, ये मैंने यहाँ पर नाइन, वो पार्ट 9 कर दिया, ये आपका इसका 11वें में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वो पार्ट 9 में दे रखा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 9 शेड्यूल कर दिया। तो आपकी जो पंचायती राज है वो आपका 11वें अनुसूची में, सॉरी ये थोड़ा जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया। सही कह रहे हो, थैंक यू जिसने भी बताया भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारे जो संविधान है, ठीक है, हमारे जो संविधान है उसमें जो न्याय है वो 3 प्रकार से दिया जाता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये हमने कहाँ से लिया है आपका, रूस की क्रांति से लिया है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर अवेयरनेस की तो मैडम करा चुकी है क्लास। फिर हमारे इलेक्शन कमीशन, देखो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो 25 जनवरी हम मतदाता दिवस, और वो अनुच्छेद 324 में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ध्यान रखिएगा राजीव कुमार है, ठीक है। कौन है, राजीव कुमार है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इक्वल जस्टिस इक्वल एड, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दे रखा है आर्टिकल 39A में। मुफ्त विधिक सहायता, इसको जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। अगर किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं है, अगर किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं है तो सरकार उसको खुद वकील मुहैया कराती है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, जिसमें आपका राष्ट्र की अखंडता, भाईचारा, राष्ट्र की सुरक्षा वगैरह वगैरह ये सब। उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, टू प्रोटेक्ट नेशनल मॉन्यूमेंट, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, DPSP में, आर्टिकल 49 में। अगर आपको सभी आर्टिकल याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमेशा जो भारत है या भारत सरकार है या राज्य सरकार है वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की बात करती है। तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 में दे रखा है। किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 51 में दे रखा है डायरेक्ट, कि हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नए राज्यों का गठन। देखो अनुच्छेद 1 ये बोलता है, ध्यान से सुनने का, अनुच्छेद भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा इंग्लिश में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत के आधिकारिक तौर पे दो ही नाम है, भारत और इंडिया, और भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ है। ये तो अनुच्छेद 1 बोलता है। अनुच्छेद 2 में क्या बोलता है,
किसी राज्य को भारत में शामिल करना हो, जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था, तो वो आपका क्या है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है। लेकिन जो आपका उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना, ओके, छत्तीसगढ़ बना, तो पहले से जो राज्य, उनमें से कोई नया राज्य बनाया जाता है वो अनुच्छेद 3 के तहत, तो फॉर्मेशन में आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। राइट टू प्राइवेसी, ये जो निजता का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। भाई अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन जरूर लाइक करिएगा, और जिनका कल एग्जाम, ठीक है, जिनका कल एग्जाम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो, वो कल अपना एनालाइजर जरूर देखें, आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि कल पता लग जाएगा कि किस प्रकार का आपका पेपर आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 महीने में भरना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये थोड़ा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एक सेकेंड, अब जरा यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन से देश के संविधान से ले गए हैं, तो ये भाग 4 में दे रखे हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक, और ये आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड से ली है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये रिपीट हो गया, छोड़ो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब थोड़े ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे दोबारा से, अब ये अरेंज करो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर आपको सब समझ आ जाएगा। सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख, झास्कर, ये काराकोरम, लद्दाख और झास्कर, ये ट्रांस हिमालयाज है, यानी हिमालय से परे की पर्वतमाला है। फिर आता है पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक, ठीक है, तो इसमें उत्तर से दक्षिण तक पहुंचा है, तो देखो पीर पंजाल, धौलाधार, लद्दाख और झास्कर, तो अगर इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देना चाहें तो सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे पहले लद्दाख आएगी, ठीक है, लद्दाख के बाद कौन आएगा, झास्कर आएगा, झास्कर के बाद क्या आएगा, पीर पंजाल, और फिर धौलाधार आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2413, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 2413, बिल्कुल आप लोगों को आशीर्वाद है, बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2413 यानी ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया आप लोगों ने पकड़ लिया, पीडीएफ जरूर ले लेना। फिरोजपुर, देखो सतलुज नदी जो है शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और फिरोजपुर से पाकिस्तान में जाती है, ठीक है, सतलुज नदी, ये फिरोजपुर इस वजह से क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का यहाँ पे काफिले को रोक लिया था किसानों ने। ओके, अगला क्वेश्चन, मूसी और भूमा ये किसकी सहायक नदी है, तो मूसी और भीमा आपका कृष्णा नदी की, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ओके, बार बार दोहराने जाने वाले एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं उत्पन्न होती है, तो देखो आपका अगर यहाँ पर इस तरीके से इंडिया का मैप बनाया जाए, ठीक है, इस तरीके से इंडिया का मैप बनाया जाए, तो यहाँ से ये सिंधु नदी है, ठीक है, इंडस, यहाँ से ही सतलुज नदी है, ठीक है, यहाँ से ही घाघरा नदी है, घाघरा नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है, और यूँ ब्रह्मपुत्र, 4 नदियाँ हैं, ठीक है, जो इनका उद्गम स्थल भारत से बाहर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। अरे झेलम तो जम्मू कश्मीर में ही होती है, ठीक है, चलो बिल्कुल, जिनका कल एग्जाम नहीं है वो कल सेशन जरूर देखें ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ठीक है। वेस्टर्न घाट, अगर इधर देखो तो आपकी जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, और एक महानदी है, तो ये तो आपका पश्चिमी घाट हो गया, लेकिन महानदी पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है। महानदी पर सबसे लंबा बांध है भारत का, जिसका नाम है हीराकुंड बांध, क्या नाम है, हीराकुंड डैम, सबसे लंबा बांध है भारत का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंडमान के पास कौन सा देश है, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये क्वेश्चन गलत करने वाले हो अभी से ही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत करने वाले हो अभी से ही बोल रहा हूँ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके ओके, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट जल्दी से बताओ, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। ओके, तो देखो ए इंडोनेशिया, देखो अगर इंडोनेशिया देखा जाए तो यहाँ पर है, अगर पूरा अंडमान निकोबार पूछा जाए या केवल निकोबार पूछा जाए तो इंडोनेशिया, लेकिन केवल अंडमान पूछा जाए तो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, अरे वाह भाई बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई, क्वेश्चन सभी को सही दिख रहे हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, आपका सैडल पीक है, वो कौन सी है, आपकी सैडल पीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना विश्व का सबसे लंबा हाईवे जो 10,000 मीटर की ऊंचाई पर है,
तो वो है अटल टनल, ठीक है। वो क्या है आपकी अटल टनल, विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल, सबसे लंबी हाईवे टनल है जो आपकी 10,000 फीट की ऊंचाई पे है। चलो बहुत जबरदस्त जगह है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन से राज्य, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। बिल्कुल आशुतोष सिंह, बहुत बढ़िया सर, आप जरूर आइएगा, आपको हम कांटेक्ट करेंगे कल। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे होकर गुजरती है। पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आपको बताना है कि भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। किस पे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो आपका मिर्जापुर में पड़ता है, कालीन भैया का इलाका, जो आपका किस में पड़ता है, मिर्जापुर में। तो ये आपका देखो, ये भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते हैं भारतीय मानक समय। चलो अगला क्वेश्चन, आपको बताना भारत के कितने राज्यों की समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा रेखा है। तो भारत के 9 राज्यों की समुद्री सीमा रेखा, कितने राज्यों की, 9 राज्यों की समुद्री सीमा रेखा है। फटाफट करते रहो, जल्दबाजी में नहीं हूं मैं, एकदम आपको पूरा एक मोमेंटम बना के, एक रिदम बना के चल रहा हूँ। तो भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्री, सबसे ऊपर किसकी है, गुजरात, गुजरात की सबसे लंबी है। और ये जो इधर है ना गोवा, गोवा की जो है ना, गोवा की सबसे छोटी है। और आपके 9 राज्य हैं, और जब इसमें आपका द्वीपों को मिला दें, वैसे तो इसमें आपका कितना है 6,100 किलोमीटर, जब आइलैंड को मिला देंगे ना तो 7,516 किलोमीटर हो जाए। ओके चलो, भारत की जो द्वीपों को मिलाकर टोटल जो है वो कितनी है, 7,516, और जो 9 राज्य बनाते हैं उनकी कितनी है, आपकी 9 राज्य जो बनाते हैं, 9 राज्य जो बनाते हैं उनकी कितनी है, 6,100 किलोमीटर, 9 स्टेट्स जो बनाते हैं, ठीक है। ओके बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगा, मेरा नाम है JEE VESH जीवेश सर, इस पर आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा, अभी क्लास के बाद डाल दूंगा। एक्सट्रीम, जो हम भारत का जो कन्याकुमारी है वो इक्वेटर के उत्तर में स्थित है, कितनी दूर है, 876 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा, अच्छा ये नहीं है इधर। ओके बेतवा नदी, देखो महानदी पे आपका हीराकुंड बांध है, ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी पर आपका जो बांध है वो कौन सा है, काकरापार, ठीक है, गुजरात में बहती है। चंबल नदी पर आपका गांधी सागर, जवाहर सागर, और बेतवा नदी पर माता टीला डैम है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2-1, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 2-1। पीडीएफ ओके ले लीजिएगा इसके। ओके वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर आ रही है सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, यानी टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, तो भारत की 15,200 किलोमीटर है। और भारत के जो 13, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये पूरी बाउंड्री बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, भारत के 16 राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो कोंकण तट जो है आपका गोवा से दीव तक स्थित है, ठीक है, गोवा से दीव तक, महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण बुलाया जाता है, ठीक है। ओके भारतीय क्षेत्र में जो 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, भारतीय क्षेत्र में जो 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, बैरन आइलैंड और नारकोंडम, अंडमान निकोबार में पड़ता है, किसमें पड़ता है, अंडमान के पास है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के संबंध में, भारत इक्वेटर के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही। भारत का जो अक्षांश विस्तार है, लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। और भारत का जो देशांतरीय लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, जो कि बिल्कुल सही है। तो सारे ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो अभी ये कौन सा, त्रिपुरा, इसका नाम ही त्रिपुरा इस वजह से है क्योंकि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। आपको बताना नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी आपकी है। देखो अगर इस तरीके से आप देखो ना, तो ये विंध्याचल है, ये आपका सतपुड़ा है। तो आपका जो नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी तो ऐसे बहती है, इसके नीचे ताप्ती नदी। तो क्वेश्चन दूसरे, नर्मदा ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा है, और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका सतपुड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन,
आपको बताना है कि भारत के दक्षिण में सबसे स्थित कौन सी पहाड़ियां, तो इलायची की पहाड़ियां है भारत है, जैसे काराकोरम सबसे ऊपर है और सबसे दक्षिण में कौन सी, इलायची की पहाड़ियां है, ठीक है। अच्छा नाथुला दर्रा आपका कौन सी जगह पड़ता है, तो नाथुला दर्रा आपको पता है सिक्किम में पड़ता है, बोमडिला दर्रा आपका जो है भूटान से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, तुजू पास आपका मणिपुर में है और शिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3124, 3124 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको पता ही है कि अगर हमें यात्रा करनी हो, ठीक है, अगर हमें यात्रा करनी हो कैलाश मानसरोवर की, तो हम कौन से पहाड़ी दर्रे से होकर जाएंगे, तो हम जाएंगे लिपु लेक पास, ये लिपु लेक पास उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है रहा, अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। अरे जीवेश सर, JEEVES ऐसे, जीवेश सर, ओके, हाँ जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु यानी इंडस रिवर, सतलुज, ये क्या है, हिमालय की पार की नदी है, इसमें आप एक घाघरा नदी भी जोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा। देखो जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया ना, इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन फंसेंगे अगर जीके आया आपके एग्जाम में, ठीक है। भारत की दो सबसे अधिक नौका गम है, देखो अभी आपने एक सुना होगा गंगा विलास, गंगा विलास जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है, ओके, विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा पे राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे नंबर वन पड़ता है, ब्रह्मपुत्र पर नेशनल वाटरवे नंबर टू पड़ता है, क्या पड़ता है, टू पड़ता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है, कौन सी नदी में बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र में माजुली, और भारत का ये पहला नदी जिला भी है, ध्यान रखिएगा भारत का पहला क्या है, नदी जिला भी है, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, देखो जितनी भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ना, जैसे नर्मदा हो गई, ठीक है, आपका ताप्ती नदी हो गई, ठीक है, आपका माही नदी हो गई, ये आपका क्या बनाती है, ये आपका डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के पठारी देश को, भारत के पठारी भाग को अलग कौन करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, तो नर्मदा नदी बांटती है, कौन सी नदी बांटती है, नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, गोदावरी, देखो आपका जो गोदावरी है वो आपका नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, मुलतई से आपका जो निकलती है वो कौन सी, ताप्ती नदी निकलती है, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है, और जनपाव हिल्स मध्य प्रदेश में है, यहाँ से चंबल नदी निकलती है, चंबल, ओके, ये भी मध्य प्रदेश में है, और ब्रह्मगिरी हिल से आपका कावेरी नदी निकलती है, ठीक है, कावेरी नदी आपका कर्नाटका से निकलती है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, आपको मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी, और ध्यान रखिएगा आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। देखो एक चीज ध्यान रखो, जीके आएगा या नहीं आएगा ये कल पता लगेगा, जीके आ गया तो जीके की प्रिपरेशन आपने कर ली, और क्लेरिकल एप्टीट्यूड अगर आया भी ना, तो आप इतने दिमागदार हो, इतने आप चतुर हो, इतना आप में मस्तिष्क है, आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप उस क्लेरिकल एप्टीट्यूड को बिल्कुल आसानी से कर दोगे, जैसे गर्म चाकू मक्खन में से गुजरता ना वैसे निकाल दोगे, तो दुआ करो क्लेरिकल एप्टीट्यूड आ जाए, क्योंकि क्लेरिकल एप्टीट्यूड में आप ज्यादा स्कोर करोगे, ठीक है, क्लेरिकल एप्टीट्यूड में आप ज्यादा स्कोर करोगे, ये मेरा मानना है, बिल्कुल जीके स्पेशल आप सही कह रहे हो, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, वो कल पता लगेगा, इसलिए डिफेंस अड्डा 24/7 पे जीके पे मैंने क्लेरिकल एप्टीट्यूड हो, कंप्यूटर हो, और जीके हो, करंट अफेयर सारा कराया है। अब कल आप सभी के सामने, आपकी भी परीक्षा की घड़ी है, मेरी भी परीक्षा की घड़ी है, तो मैं महादेव और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके परिश्रम का फल आपको जरूर दे, और अपने पे विश्वास रखो और ध्यान रखो, पूरे अच्छे से जुट जाओ, ओके। इसके अलावा अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है,
इस पे आपको डिफेंस एग्जाम रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, और अपना सो खाओ पियो सो जाओ जिनका कल एग्जाम है, और कल 10:30 बजे जरूर जुड़िएगा।